मूसा नकवी ने जो वादा किया पूरा किया। इलेक्शन 2024 का पुरामन और शफाफ इनेकाद, वोटर्स ने पुरामन माहौल में हक के राय दही इस्तेमाल किया। आज़ादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। निगरान वज़ीर आला कहते हैं कि हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो किया। पूरी टीम का ज़मीर मुतमईन है। मूसा नकवी ने काबीना के 40वें इजलास की सदारत की। पंजाब काबीना के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। 10,000 तुलबा को बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। 7,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा 3,000 तालिबात को दी जाएंगी। पंजाब चैरिटीज कमीशन की अपेलेट कमेटी की तश्कील। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए फंड्स का भी इजरा होगा। मोहसिन नकवी ने मंजूर। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी ओहदे हमारा हक है। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। मेरा नहीं ख्याल मैं ऑपोजिशन लीडर बनूं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। मरकज और केपीके में हुकूमत साजी। पीटीआई ने भी प्लान बना लिया। जमात इस्लामी और मजलस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। बैरिस्टर गोहर खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फोन। मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बना लें। अक्सरियत साबित करें हम ओपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ का चैलेंज। कहा 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाया गया। 10% नतीजे पर शोर मचाया गया। ये गैर मंतकी बात है। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को फोन। नून लीग की हमायत के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। सदर नून लीग से नौ मुंतखब आजाद और अकीम की मुलाकातें। एमएनए बैरिस्टर अकील मलिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। इसाकदार ख्वाजा सादर फीक सरदार अयाज सादिक ख्वाजा इमरान नजीर भी मौजूद थे। सियालकोट से रजा राणा फैसल मिले। वसीम कादिर की भी मुलाकात। सियासत का बदलता मंजरनामा। अब्दुल अलीम खान ने आईपीपी की कमान संभाल ली। पार्टी के चेयरमैन बन गए। अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन की अहम मुलाकात। ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात। नून लीग के साथ सियासी इतिहाद बरकरार रखने का फैसला। लाहौर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा शहबाज मरियम नवाज और अताउल्ला तारिक को भी कामयाबी का परवाना मिल गया। N130 नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट की आर ओ ऑफिस से रुजू की हिदायत। शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त लाने वाले को भी इलेक्शन कमीशन जाना होगा। अदालत से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी ऐसा ही हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट ने लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल जिया भट्ट की दरखास्त भी निपटा दी। पीटीआई के हमायत याफ्ता फरुख जावेद की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने की हिदायत। दरगाह बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम की देखभाल के लिए कमेटी कायम। जस्टिस अली बाके नदवी 9 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नैयर अली दादा आगा शाह हुसैन कजलीबाश मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा। डॉक्टर जागिब नईमी अश्तर औसाफ सेक्रेटरी औकाफ कमिश्नर लाहौर भी कमेटी में शामिल। दाता दरबार के सामने रीमॉडलिंग का मंसूबा। लैंड एक्विजिशन समेत कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए फंड्स तलब। एलडीए ने 58 करोड़ की डिमांड कर दी। उधर रूरल एम्बुलेंस सर्विस के लिए 3,58,00,000 जारी। बीएचयू अस्पताल की सिक्योरिटी के लिए भी 3,06,00,000 मिल गए। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब को लीज पर देने का फैसला। रॉयल पाम क्लब को 25 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ख्वाहिशमंदों से 6 मार्च तक कागजात तलब कर लिए गए। पंजाब के 48,000 स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट। दूसरी तीसरी पांचवी छठी और सातवीं जमात का इम्तिहान होगा। पैफ के तहत 19 फरवरी को अंग्रेजी का इम्तिहान लिया जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को सालाना करोड़ों की बचत। रवां साल मैट्रिक के 9,00,000 बच्चों को मुफ्त प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं मिलेगी। तुलबा प्रैक्टिकल के लिए घर से व्हाइट शीट लेकर आएंगे।
मौसम बदल गया, नमूनिया के वार बरकरार। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 6 जाने गईं। लाहौर में नमूनिया से आज कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। एक दिन में 175 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज के लिए ड्यूटी से इस्तिस्ना खत्म। नर्सों को ग्रेजुएशन के साथ अस्पताल में भी ड्यूटी देना होगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया। दीगर अजला की नर्सेज को ड्यूटी के लिए उन शहरों में एडजस्ट किया जाएगा। बागबानपुरा में गैस बहरान संगीन हो गया। 2 साल से सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर अहले इलाका की बिल उठाकर दुहाइयां। SNGPL के खिलाफ नारे। बागबानपुरा में गैस बहरान। शेरशाह कॉलोनी इच्छा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब। नल के टूट फूट का शिकार, गंदगी के ढेर लग गए। शालामार अंगूरी स्कीम का फिल्टर प्लांट नशेयों की आमादगा। पार्क की खिड़कियां तोड़कर लोहा बेच डाला। बच्चों के झूले भी नाकारा हो चुके। उधर रेलवे कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड रोड सीवरेज की पानी में डूब गई, जबकि चंद माह कबल डाली की सीवरेज लाइन भी नाकारा हो गई। पेप्सी रोड गुलबर्ग भी इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। सरकार के अहकाम रद्दी की टोकरी में। हाल रोड पर पार्किंग माफिया की मनमानियां। मोटरसाइकिल के 10 के बजाय 30 रुपए वसूली। गाड़ी की फीस 300 रुपए तक वसूल की जाने लगी। खरीदारी के लिए आने वालों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वासा बिजली बिलों की मद में 5 अरब 96 करोड़ का नादहिंदा। लेस्को ने अदम अदायगी पर कटर निकाल लिया। वासा के मुतअद्दद दफातर के कनेक्शन काट दिए। उधर वापला चौर में शेख रेस्टोरेंट पर छापा, लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट डिफेंस रोड जल्लो पार्क में चेकिंग। नाकिस इंतजाम पर 4 बेकरी एंड केक यूनिट बंद। 2 यूनिट्स को 2 लाख के जुर्माने आयद। 4 को इस्लाही नोटिस जारी। LGA सिटी और एवेन्यू 1 में जाली सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती केस। महाना 41 लाख रुपए के गबन का इंकशाफ। जीपा से डेपुटेशन पर आए अफसर और उनकी टीम ने बहती गंगा में हाथ धोए। गबन शुदा रकम वसूल करने की सिफारिश। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA का फरहत शहजादी के रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राबिता। साबिक खातून एवल की दोस्त फरहत उर्फ फरा गोगी तहकीकात से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार हैं। नवाज शरीफ के हक में रैली और पुलिस पर तशद्दुद का केस। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर अफजल खोखर अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बरियत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब। नेप्रा अपेलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट का लतम करार। नेप्रा अथॉरिटी को मुतासर बिजली सार्फीन को सुनकर एतराजात पर असर नो फैसला करने का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 300 से ज्यादा अपीलों पर फैसला दिया। सानहे माल रोड के शोहदा का गम आज भी ताज़ा। शहीद कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की 7वीं बरसी। IG पंजाब उस्मान अनवर का खराजे अकीदत। शहीद मुबीन जैदी की वालिदा की आंखें नम। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग की कबर पर फातिहा ख्वानी। CTO अम्मारा अचर ने फूल चढ़ाए। लिबर्टी चौक में शोहदाए पुलिस की याद में शमे रोशन की गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का एक और वादा पूरा। 23 पुलिस शहदा के बच्चों में तकरूरी के लेटर तकसीम। एक साल में 134 शहदा के बच्चों को मुख्तलिफ कैडर्स में भर्ती किया गया। शहदा क्लेम पर भर्ती का एक भी केस नहीं बचा। पंजाब पुलिस के 3 अफसरान के तकर्रु तबादले। अब्दुल वहाब SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाहौर था यूनाथ। आगा रमजान डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलीट पंजाब लाहौर मुकर्रर। SSP IEB सोहेब अशरफ को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। CCPO की जेरे सदारत अफसरान की कारकर्दगी पर इजलास। जेरे इल्तवा रोड सर्टिफिकेट बिजली चोरी के मुकदमात जल्द निपटाने का हुक्म। चोरी डकैती राजनी कत्ल की वारदातों की रोकथाम की भी हिदायत।
वज़ीरे सनअत व तजारत एस एम तनवीर की ज़ेरे सदारत इजलास। पेस्क बोर्ड में 6 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। पंजाब स्माल इंडस्ट्री कारपोरेशन में मुख्तलिफ कैडर की 100 खाली आसामियाँ खत्म करने की मंजूरी। सेक्रेटरी एहसान भुट्टा MD पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन भी शरीक थे। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बनाए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का इजलास। सूबाई वजीर प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने सदारत की। सेहत सहूलत प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, डॉक्टर अली रजाक, डॉक्टर साकिब अजीज की शिरकत। पाक लायर्स फोरम के तहत यकजहती फलस्तीन वकला कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट बार में तकरीब। डॉक्टर नासिर हमदानी, हाफिज अब्दुल रऊफ का खिताब। सदर हाईकोर्ट बार इश्तियाक ए खान, मोहम्मद अहसन विर्क, राना अब्दुल हफीज समेत दीगर वकला शरीक थे। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान के लिए रिसर्च अवार्ड तजवीज़। यूनिवर्सिटी मुलाजिम को एक तहकीकी मकाले की अशात पर 25,000 रुपये मिलेंगे। गुलाब देवी अस्पताल के डॉक्टर्स का मुनफरिद ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आए मरीजों के फेफड़ों से 4 किलो प्रोटीन पाउडर निकाल लिया। डॉक्टर हुसैन की सरबराही में टीम ने ऑपरेशन किया। कानकुनी के पेशे से वाबस्ता अफराद में ये बीमारी आम है। UCMG में मेडिकल के तुलबा की व्हाइट कोट तकरीब। 225 तुलबा ने इंसानियत की खिदमत का हलफ उठाया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर महवश शरूज की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अफजल समेत दीगर शख्सियात भी शरीक। लाहौर समेत दुनिया भर में रेडियो का दिन मनाया गया। FM रेडियो सेहत जिंदगी में तकरीब। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर शरीक हुए। मुलाजमीन के हमरा केक काटा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतरीन खिदमत। IT एंड ITES एक्सपोर्ट अवार्ड्स। 550 कंपनीज में करोड़ों के इनाम तकसीम। फ्लैटीज होटल में तकरीब हुई। विफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ मेहमान खसूसी थे। सरमायाकार, सफारतकार और टेक्नोलॉजी कंपनीज के नुमाइंदगान शरीक। राहा विमेन हॉकी अकेडमी का वार्म अप मैच 1-1 गोल से बराबर। राहा व्हाइट और राहा ग्रीन की टीमें मध्य मुकाबला है। और लाहौर कलंदर्स ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पिशावर जलमी की 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने भी खूब पसीना बहाया। PSL 9 के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 17,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज के जवान भी चौकस। टीमों की नकलो हरकत और मैचेस के दौरान जैमर लगेंगे। फजाई निगरानी भी की जाएगी।